हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट रेट के स्कैल्पर के बारे में हमने देखा था और उसमें लिमिटेड फीचर्स थे। ओके, मैंने उसको अभी अपडेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो पे मैं फिनवेसिया के बारे में आपको डेमो दिखाने वाला हूँ कि सेम वाइज फ्लैट रेट फिनवेसिया में ये टूल कैसे वर्क होगा, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में डेमो दिखाने वाला हूँ। ओके, सेम है, ये है फ्लैट रेट का यूआई है और ये फिनवेसिया का। ओके, और बोथ आर सेम। ओके, सेम फंक्शनैलिटी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों का टेक्नोलॉजी पार्टनर सेम है, सो इसमें थोड़ा लॉगिन प्रोसेस इतना ही डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सेटिंग्स पर आपको फ्लैट रेट का एपीआई क्रेडेंशियल्स को आपको एंटर करना पड़ेगा और आपको लाइसेंस की के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस वीडियो में इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लाइसेंस की को जनरेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जनरेट करना है जनरेट टोकन। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से आपको लॉग इन करना है। देन लॉग इन करने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा URL में, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और जनरेट टोकन करना है। ओके, सो ये है लॉग इन प्रोसेस फ्लैट रेट का। और फिनवेसिया का भी सेम है, यहाँ पर सेटिंग में आपको API आपका क्रेडेंशियल को आपको एंटर करना है। सो मैं अभी फिनवेसिया के बारे में बोलूँगा और बाद में फ्लैट रेट के बारे में भी मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, यहाँ पर दोनों में रिस्क मैनेजमेंट मैंने ऐड कर दिया है। ओके, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, और यहाँ पर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा और एड एक्सपायरीज मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक। ओके, आपको इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और मैं अभी इसको फ्लैट रेट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि उसमें फ़ीचर्स नहीं थे, मैंने यहाँ पर अभी सारे फ़ीचर्स को ऐड कर दिया है जो आपको स्कैल्पिंग करने में बहुत ईजी होगी। ओके, ईजी होगी। और यहाँ पर मैंने मार्केट ऑर्डर का भी सेटअप किया है, टारगेट ऑर्डर भी डाला है, स्टॉप लॉस और क्वांटिटी विथ बाय, बाद में सेल ऑप्शन रखा है और कैंसिल ऑर्डर्स को, ओपन ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करने के लिए एक सेपरेट बटन भी रखा है और आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए भी बटन रखा है। ओके, और यहाँ से आप लॉक्स को देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी मैं फ्लैट फिनवेसिया में दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक इसको मैं डेवलप करने के लिए थोड़ा डेमो डेटा की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने एक स्टॉक को मैंने बाई किया था, उसको मैंने पेंडिंग पर रखा है, अभी तक सेल नहीं किया है। सो क्योंकि आपको दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए। ओके, सो मैं अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। अभी मैं यहाँ पर मेरे फिनवेसिया का ब्रोकर का अकाउंट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ओपन पोजीशन है, मैंने ऑलरेडी रखा है और इसमें 300 का लॉस है, क्योंकि मैंने दूर का एक लिया था, क्योंकि टेस्टिंग पर्पस मुझे एक ऑर्डर चाहिए था इसका टेस्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं आज -48 रुपीज़ में हूँ और मेरा टोटल लॉस है 300 रुपीज़। ओके, सो ये डेमो पर्पस है। ओके, यहाँ पर मेरा फंड भी नहीं है, मैंने फंड जो कुछ भी मेरा अर्निंग था मैंने इसको निकाल लिया है मेरे अकाउंट में। ओके, और मैं अभी चला जाता हूँ फिनवेसिया में। ओके, सो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कुछ भी क्रेडेंशियल्स है मैंने यहाँ पर सेटिंग्स में ऐड कर दिया है। ओके, और इसको कैसे ऐड किया है, इसके लिए आपको शून्या का वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर आपको प्रिज्म में जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा API की और सीक्रेट की को। ओके, और आपको ज़रूरत है ऑथेंटिकेटर की, वो आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको सेटिंग सेक्शन पर सेटिंग सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपको मिलेगा TOTP, यहाँ से आपको ऑथेंटिकेटर कोड को उठा के आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्रेडेंशियल्स है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेटर VC API की ये सारे आपको API के प्रिज्म डैशबोर्ड पर आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर लाइसेंस की है, लाइसेंस की आपको कैसे जनरेट करना है मैं इस वीडियो के एंड पर दिखा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट में मैंने रखा है 300 और 5000 का मेरा मैक्सिमम टारगेट। ओके, और आप यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो इसको। ओके, सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डैशबोर्ड पर जाऊँगा और मैं इसको ओपन करूँगा साइड बाय साइड,
क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इसका डिज़ाइन थोड़ा छोटा बनाया है, क्योंकि आपको दोनों चार्ट और स्कैल्पिंग टूल साइड बाय साइड रख के आप इसको ट्रेड कर सके। ओके, सो मैं इसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर मैं चला जाता हूँ। ओके, ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि आपको एक बार डेमो दिखाने के लिए, ओके, कैसे एक टूल वर्क होता है। सो मैंने यहाँ पर मैंने आज मार्केट नहीं देखा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन में लगा था और मैंने इसको कल पब्लिश कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ का आपका चार्ट है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि ये कल नहीं 2 दिन पहले का ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ से इसको यहाँ से देखते देखते ही आप इसको ट्रेड कर सके, इसके लिए मैंने इसको बहुत ही छोटा रखा है। ओके, आप इसको फॉर एग्जांपल आप इस लाइन क्रॉस होते ही आपको इसको बाई करना है, सेल कर, जो कुछ भी आपका स्ट्रेटजी है इसको अप्लाई करने के लिए आपको इजी हो। ओके, सो मैं यहाँ पर सीधे ब्रोकर में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं अभी लॉग इन कर देता हूँ। लॉग इन करते ही आपका वेब सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने जो कुछ भी नई फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं, सो इसके बारे में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको डेमो पर्पस में यहाँ पर अगस्त का सेलेक्ट करता हूँ और सिंबल्स मैंने इंप्लीमेंट की है 3 मेजर इंडेक्सेस के लिए। अभी नया गाइडलाइंस आया है, हर इंडेक्सेस का एक्सपायरी अलग अलग डे में होगा। इसके डिटेल्स में इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा। ओके, और फिलहाल मैं निफ्टी को सेलेक्ट करता हूँ और मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा ATM। ओके, अगर आपके फंड के हिसाब से आप OTM इन द मनी, आप जो कुछ भी आपका है प्रेफरेंस, आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर मैंने आपका मार्जिन यहाँ पर 390 रुपीज़ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ भी मार्जिन है सो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 रुपीज़, अगर आपको चेक करना है आपका MNMT का आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, और पोजिशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अगर ये प्लस पे रहेगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, जो कुछ भी आपका बाई सेलिंग का प्रोसीजर है आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप मार्केट में हैं ऑप्शन, और यहाँ पर ऑटो लिमिट का है, मैंने ऑप्शन रखा है और लिमिट का ऑप्शन रखा है। ओके, सो मैं यहाँ पर मार्केट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं टारगेट रख देता हूँ 5। अगर आपको इसको चेंज करना है, आप इसको टारगेट यहाँ से 1 या 2 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी रखा है और यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हो जो कुछ भी। मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट करता हूँ और स्टॉप लॉस रख देता हूँ 5, और आप लॉट सेलेक्ट कर सकते हो 1, 2, 3। अगर ये ऑटोमेटिकली आपका मार्केट के हिसाब से आपका निफ्टी है तो 50 सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक लॉट में। अगर आपका बैंक निफ्टी है तो 15 सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका फिन निफ्टी है तो 40 सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं आपको इसको दिखाऊंगा कैसे होता है। सो मैं इसको आप देख सकते हो कि मैंने स्टॉप लॉस भी टारगेट भी सेट किया है और स्टॉप लॉस भी सेट किया है और मैंने लॉट भी सेलेक्ट किया है। मैं फिलहाल यहाँ पर लॉट सेलेक्ट करूँगा 2 लॉट, यानी 50-50-100 का। ओके, सो मैं यहाँ पर कॉल का ऑप्शन बाय करके दिखा दो। अभी मार्केट आवर्स क्लोज है, सो यहाँ पर आपका जो कुछ भी ऑर्डर मैं अभी लगाऊंगा वो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, वो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे रिजेक्ट हो चुके हैं 100 क्वांटिटीज़। और आपको यहाँ पर प्राइस भी नज़र आएगा, जो कुछ भी प्राइस मैंने बाई किया था, और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आए। ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, मैंने 5 पॉइंट का टारगेट लिया था और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था। ओके, और यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल चुका है। ओके, सो नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर सेम टू सेम सेल करके भी दिखाऊँगा। सो सेल करने के लिए मैं अगर मार्केट और दूसरा इंडेक्स सेलेक्ट करता हूँ, इंडेक्स करता हूँ बैंक निफ्टी, और मैं सेलेक्ट करूँगा ATM। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करते ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कुछ भी प्रीमियम चल रहा है सो यहाँ पर आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हो। ओके, वेब सॉकेट की मदद से। ओके, सो सेम मैंने यहाँ पर 2 लॉट सेलेक्ट की है, और इसका मतलब है बैंक निफ्टी का 2 लॉट का मतलब है 30 क्वांटिटी। ओके, सो मैं इसको मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि पुट का ऑप्शन मैं बाई कर देता हूँ। ओके, नॉट सेलिंग, पुट का ऑप्शन में बाई कर देता हूँ। यहाँ पर स्कैल्पर में जस्ट बाइंग पॉसिबल है, नॉट दिस इज़ नॉट फॉर सेलर्स। ओके, सो मैं इसको बाई कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 3
ट्रिगर हो चुका है, और जो कुछ भी ऑर्डर है सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 क्वांटिटी, और यहाँ पर जो कुछ भी मेरा बाई प्राइस है और इसका स्टॉप लॉस है, सो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, ये मार्केट पर लाइव मार्केट में भी ऐसे ही वर्क होगा। ओके, जो कुछ भी हो रहा है, ओके, वो रिजेक्ट हो रहा है आप। ओके, सो सेम वाइज आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन है ऑटो लिमिट। ओके, सो फिनवेसिया के एपीआई में एक फीचर दिया हुआ है बेस्ट प्राइस का। ओके, ये लिमिट पर भी लिमिट पर आपका प्राइस जो कुछ भी बेस्ट प्राइस चल रहा होगा उसको आपको बाई कर सकते हो। ओके, अगर वो ट्रिगर होगा तो वो प्लेस हो जाएगा। ओके, सो मैं फिलहाल ऑटो लिमिट के लिए यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं है। ओके, सो मैं फिलहाल इसको एक क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अगर आप ऑटो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो टारगेट और स्टॉप लॉस को यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। अगर आप लिमिट पर करोगे तो आपको ये एनेबल नहीं होगा, जो कुछ भी आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा प्राइस और स्टॉप लॉस को। ओके, सो मैं ऑटो लिमिट में क्या है, सो मैं इसको फिर निफ्टी में कर देता हूँ। ओके, और मैं रख देता हूँ एटीएम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और यहाँ पर 0.5 ये पूरा नेल हो चुका है पुट साइड में। ओके, मैं इसको बाई कर दूंगा, देखेंगे कि क्या होता है। इसमें मैं इसको बाई करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है और वो क्वांटिटी है 40, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस है 27। ओके, सो ऐसे आप डायरेक्टली स्कैल्पर की मदद से बाई और सेल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको जो कोई भी कुछ भी ऑर्डर है उसको कैंसिल करना है, अगर आपका जो कुछ भी ऑर्डर लिमिट प्राइस वो जो भी ओपन पोजीशन में है, जो डायरेक्टली यहाँ से इस बटन से कैंसिल भी कर सकते हो वन क्लिक पे। ओके, कैंसिल करते ही सारे ऑर्डर्स ओपन और पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ भी ऑर्डर्स नहीं है, सो यहाँ पर नो ऑर्डर्स करके आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। ओके, और अगर आपके पास है कुछ भी ऑर्डर सो आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए इसको इस सेल बटन से आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इसको एक ओपन एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर आपको जो कोई भी ओपन पोजीशंस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, फिलहाल मेरे डैशबोर्ड पर यहाँ पर ओपन पोजीशन है, मैंने इसको सेल नहीं किया था क्योंकि आपको डेमो दिखाने के लिए। ओके, सो आप यहाँ से आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो वन क्लिक पर। ओके, अगर आपके पास दो तीन ऑर्डर्स यहाँ पर मौजूद है, सो सारे आप पोजिशंस यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, सो यहाँ पर आपको एक नया पॉपअप खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्वांटिटी कितना है, जो कोई भी है क्वांटिटी यहाँ पर दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको प्राइस को एंटर करना है, किस प्राइस पर आपको सेल करना है उसको कंफर्म कर देता हूँ। ओके, मैं फ़िलहाल इसको मैं 27 पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट आवर्स क्लोज है। ओके, मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो कंफर्म करते ही यहाँ पर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ऑर्डर मैंने प्लेस की थी, यहाँ पर 27 रुपीज़ में रिजेक्ट हो चुका है, और इसका टाइम भी आपको दिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। सो इसके लिए आपको ट्रेल करने के लिए जो कुछ भी आप मार्केट और में आप स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं वो पेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। सो आप इस ट्रेल बटन की मदद से आप ट्रेल भी कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका प्रॉफिट। आपको ट्रेल करना है तो यहाँ से आप वन क्लिक में आप ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेल होगा पॉइंट्स के हिसाब से, आप ट्रेल कितना पॉइंट करना चाहते हो, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, कितना भी। और नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप एंटर भी कर सकते हो, 2, 3, जो कुछ भी आप एंटर करते हो यहाँ पर ट्रेल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आपको और एक ऑप्शन है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ का। ओके, और आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है, एक स्क्वायर ऑफ करते ही आपको जो कुछ भी पोजीशंस है वो पूरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ओके, और एक स्क्वायर ऑफ ऑप्शन है क्या है कि बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका डेली का M2 M300 से ऊपर या आपके दिए हुए जो कुछ भी आपका प्राइस है उसके ऊपर चला जाता है, आपका पूरा स्क्वायर ऑफ हो जाता है और आपका ऐप फिनवेसिया स्कैल्पर ए स्कैल्पर क्लोज हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन है लिमिट का ऑप्शन। ओके, लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको पॉपअप मिल जाएगा, आप जो कोई भी प्राइस में आपको बाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 26 रुपीज़, अगर आपका ये बाय 27 चल रहा है, अब अगर आपको 25 में बाई करना है इसको, सिंपली इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यहाँ पर जो कुछ भी है। अगर आपको सेल करना है वो भी सेम है, अगर प्राइस है यहाँ पर 0.5,
आपको इसको पुट को बाय करना है, इसको 1 रुपये में 100 में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह आप इस स्कैल्पर के मदद से रैपिड ट्रेडिंग कर पाओगे। ओके सो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है। ओके आप आई होप आप इसका यूज़ करेंगे और अपना बेनिफिट के लिए आपको इसको यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके वन क्लिक में आपको सारा फीचर्स आपको एक ही डैशबोर्ड में मिल जाएगा। ओके और समटाइम्स ये लैग होता है बेस्ड ऑन आपका एपीआई का सर्वर कैसे चल रहा है, समटाइम्स ब्रोकर के साइड में भी इश्यूज रहते हैं। ओके सो उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक इंटरफेस है फिनविशिया एपीआई के ब्रोकर के साथ। ओके एक जस्ट इंटरफेस आई एम यूजिंग फिनविशिया एपीआई। ओके और शून्य का एपीआई है। ओके और मैं इसी रेप्लिकेट कर रहा हूँ अदर ब्रोकर के साथ, लाइक एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया और कोटक सिक्योरिटीज हो गया। ओके सो जो कुछ भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको मिस ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैंने और एक ऑप्शन को रखा है ओआई डेटा को। ओके आप बेस्ड ऑन आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में क्या आपका ओआई चल रहा है, हाउ मैनी कॉल राइटर्स आर देयर और हाउ मैनी पुट राइटर्स आर देयर, यू कैन फाइंड इजीली हियर। ओके सो ये वीडियो था इतना ही फिनविशिया के लिए। ओके अगर आपको इसको यूज़ करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस की को एंटर करना पड़ेगा। इस लाइसेंस की को एंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आपके मैं इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पर जाके आपको इस गिटहब यूआरएल को यहाँ से आप क्लोन कर लो। ओके कॉपी और नहीं तो डाउनलोड कर सकते हो। ओके डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक ऑप्शन मिलेगा बैट सेटअप डॉट बैट फाइल। ओके और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन गाइड भी मैंने डाल के रखा है, क्योंकि आपको इजी हो इसको इंस्टॉल करने में। ओके और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सेटअप डॉट बैट फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे इसको आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट को जनरेट किया है क्योंकि आपका ऐप सिक्योर हो। ओके सो इसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मूथली रन हो पाए। ओके सो आपको जो कुछ भी इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए इस फाइल पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए लाइसेंस की को एंटर करना है। लाइसेंस की को एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक है वेबसाइट eco.logicalb.in। ओके इस वेबसाइट पर आपका नाम डालिए और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपको प्रोडक्ट चूज़ करें आप फ्लैट रेट या एपीआई। अगर आपका ब्रोकर फ्लैट रेट है, सेम टू सेम आपको फीचर्स दोनों में मिल जाएगा। ओके दोनों में कोई भी डिफरेंट फीचर्स नहीं है, सेम फीचर्स आपको मिलेंगे। ओके और वर्क होंगे सेम टू सेम। ओके और सिलेक्ट करना है और आपको प्लान सेलेक्ट करना है आपका प्रेफरेंस। यहाँ पर मैंने फर्स्ट 100 मेंबर्स के लिए, मैंने लाइफ टाइम के लिए 2700 में मैं इसको दे रहा हूँ। ओके ये कभी भी चेंज हो सकता है। ओके तो फर्स्ट 100 यूज़र को मैं इसको 40% ऑफ, पहले मैंने रखा था 4500 वन टाइम फ़ी, अभी मैं दे रहा हूँ 2700 रुपीज़ और 40% ऑफ में लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस। ओके लाइसेंस को। ओके अगर आपको टेस्ट करना है इसको, यहाँ पर ऑलवेज 3 डेज ट्रायल का अवेलेबल है, आप ट्रायल जनरेट कर सकते हो और जनरेट लाइसेंस की को आप सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपका टूल चल जाएगा 3 दिन के लिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हो टूल से आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा। और फ्लैट रेट का भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है और ये अपडेटेड वर्जन है, मुझे नहीं लगता है कि फ्लैट रेट के बारे में और एक बार वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, आपका कोई भी सुझाव है तो। थैंक यू वेरी मच।